बॉलीवुड और पॉलिटिक्स? बॉलीवुड। बट ये क्या एक्टिंग करना पड़ेगा? दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। एंड फेवरेट बॉलर, करंट फेवरेट बॉलर का आसान है, बुमराह इज देयर, सो करंट बैट्समैन थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे बैट्समैन है ना हमारे पास, तो इसका ये मतलब नहीं कि बॉलर खराब है, जस्ट बोल रहा हूँ कि पिक करना मुश्किल हो जाता है। जिसको बैटिंग करते वक्त देखो ना तो लगता है कि यही है भाई, इसी को देखना है, बट देन समबडी एल्स कम्स वो भी उतना ही अच्छा लगता है। तो जब तक टीम इंडिया अच्छी करते रहेगी, आई डोंट वांट टू पिक अ बैट्समैन, बट होपफुली दे कीप स्कोरिंग रन्स, बट बॉलर मैंने एक पिक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स, समथिंग यू ऑलवेज कैरी विद यू, सेक्सी हेयर स्टाइल। यार थोड़ा सा कैश, थैंक यू, क्रेडिट कार्ड। साक्षी मैम और दीवा, यार कैसे पिक करें, घर में तो जाना है। अभी अगर पिक करके चला गया, जीवा को पिक किया तो बीवी नहीं घुसने देगी, बीवी को पिक किया कल जीवा बड़ी हो जाएगी, वो नहीं घुसने देगी, सो आई डोंट वांट एनी ट्रबल। ओके, रेगुलेशन बदलेंगे, रिटेंशन के हिसाब से ऑल ऑफ दैट, तो अभी उसमें काफी टाइम है, जब वो रूल रेगुलेशन बन के हमारे पास आएंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सो अभी बॉल हमारे कोर्ट में नहीं है, सो once rules and regulations gets formalized, उसके बाद हम decide करेंगे। तो जो team के लिए सबसे अच्छा decision होगा वो लेना पड़ेगा, because at the end of the day we all want the team to do well. So rules, regulations, retention, उन सब के हिसाब से हम देखेंगे कि what is best for CSK and we'll take the best. Last question from Junaid. Well, we may see you back in the army again. Well, I have an honorary rank with the army and I'm very proud of the fact. So whenever I go over there, the time I get with them, the interactions that I have with them, they always have a smile on their face. You know, it's not a very easy life, you know, condition काफी tough रहते हैं, but still they have that smile on their face and it actually motivates me, you know, a lot to see them. And that's a way of looking at life, you know, challenges हजारों, but हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। और जहाँ तक वापस जाने की बात है, तो पिछले कोविड के बाद से मैंने कुछ नहीं किया है आर्मी के साथ। आई वुड लव टू गो बैक, रीज़न था मैंने बाल बहुत बड़े किए हुए थे, तो यू नो आई वाज लाइक कि अब बाल काटने पड़ेंगे, यू नो व्हेन आई गो ओवर देयर आई एम ओके टू कट इट, बट फिर क्या है ना, फिर वो 1.5 साल लगते हैं वापस बड़े करने में, तो आई वॉज लाइक कि जब तक बड़े बाल का है थोड़ा उस समय रुक जाता हूँ, बट आई वुड लव टू गो बैक, यू नो आई लव द फैक्ट जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उनके साथ टाइम बिता सकूँ। So hopefully soon, you know, again एक छोटा सा crew cut आएगा and then you will see me again. So देखते हैं, क्योंकि COVID के बाद थोड़ा मुश्किल हो गया था, COVID के समय उनमें भी काफी strict थे, they were not letting people. My question from you is, we were all really heartbroken after the 2019 World Cup loss. How did MS Dhoni deal with it personally, and what did you do in your spare time to deal with it? नहीं, इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट वन, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, यू नो, सो इट वुड हैव बीन गुड टू बी ऑन द विनिंग साइड। इट वॉज अ हार्ट ब्रेक मोमेंट, सो वी एक्सेप्टेड द रिजल्ट एंड वी ट्राइड टू मूव ऑन। टाइम थोड़ा लगता है और वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा टाइम मिल भी जाता है, मैंने तो उसके बाद इंटरनेशनल खेला नहीं है तो मुझे तो काफ़ी टाइम मिल गया। सो येस, इट वॉज अ हार्ट ब्रेक, बट एट द सेम टाइम नो यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, यू नो, सो यू जस्ट एक्सेप्ट दैट यू ट्राइड योर बेस्ट बट यू नो यू आर नॉट एबल टू विन इट। मुझे तो खुद भी नहीं पता था, यू नो, तो इंस्टाग्राम से ही पता चला। सो यू नो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैंस, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा यू नो इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में आके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, यू नो, जब भी जरूरत होता है फैंस डिफेंड मी, जब भी जरूरत होता है यू नो फैंस दे प्रेज मी, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। So this was also part of that. So I'm very grateful to my fans. मैं उतना ज़्यादा social media में active नहीं हूँ, but still they love the fact कि जब भी मैं post करता हूँ ना, they love it. They just wait for it and they love it. So grateful to them. एक बार आप बोल दीजिए ना, क्या खाला for a reason? एक बार आप बोल दीजिए ना,
क्या खाला फॉर अ रीजन जो दूसरों को चिढ़ाने के लिए भी तो उसके लिए भी यूज करते हैं सर हमें तो पॉजिटिव ही लगता है नहीं तो मेरे फैंस दूसरों को चिढ़ाने के लिए यूज करते हैं गौतम गंभीर